यूपी के फतेहपुर जिले में प्रशासन ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा और मंदिर की जमीन को खाली करवाया गया। करोड़ों रुपए की कीमत के एक दो मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। फतेहपुर जिले के कुख्यात हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक मंदिर की जगह पर बनाए गए आलिशान मकान पर प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव को 3 दिन पहले ही मुठभेड़ के समय गिरफ्तार किया था। आरोपी के शातिर अपराधी पप्पू यादव ने डकैती के समय घर पर मौजूद एक नाबालिग लड़की से रेप किया था और उस पर जिले में तकरीबन 20 से ज्यादा संगीन धाराओं के केस दर्ज हैं और पुलिस को उसकी तलाश थी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हुसैनगंज इलाके में बने उसके करोड़ों की कीमत के मकान को ध्वस्त किया। इधर महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले हत्याकांड के आरोपियों के तबलीगी जमात से जुड़े होने की बात सामने आई। कोर्ट में दाखिल एनआईए की चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया और बताया गया कि जिन आरोपियों ने उमेश कोले की हत्या की वो तबलीगी जमात से जुड़े थे। इसी साल जून ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महीने में 21 तारीख को उमेश कोले की हत्या हुई थी। उन्होंने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। आरोप है कि इसी से नाराज लोगों ने उन्हें मारा था। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी 8वीं फेल है और दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में उसकी चाय की दुकान है, जहां यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र चाय पीने आते थे। उन छात्रों से प्रभावित होकर उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल में खुद को आईपीएस अधिकारी विकास यादव बताया। यही नहीं, आरोप है कि उसने 50 महिलाओं को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया। बाद में संजय गांधी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले ईशान किशन ने अपने एक समर्थक को महेंद्र सिंह धोनी के ऑटोग्राफ के ऊपर ऑटोग्राफ देने से इनकार कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनका एक समर्थक मोबाइल फोन के कवर पर ऑटोग्राफ मांगता नजर आया। लेकिन जब उन्होंने उस पर महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ देखा तो वहां ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने धोनी के ऑटोग्राफ के नीचे उसे ऑटोग्राफ दे दिया। गुवाहाटी में पहाड़ों के बीच फंसे एक बाघ का रेस्क्यू किया गया, उसकी जान बचा ली गई। रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई। उमानंद द्वीप पर पहाड़ों के बीच रॉयल बंगाल टाइगर फंस गया था, जिसका रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम जुटी रही। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद बाघ को पहाड़ों के बीच से बाहर निकाला गया। इस बीच बाघ ने कई बार टीम पर हमला करने की भी कोशिश की, जिसके लिए बाघ को रेस्क्यू के समय कई बार बेहोश करने की जरूरत पड़ी। पहाड़ों के बीच फंसे बाघ को सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी में लाया गया, जहां से बाघ को नाव के जरिए रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वन विभाग के मुताबिक बाघ बिल्कुल स्वस्थ है और अब अगले 3 दिनों तक वो राजकीय चिड़ियाघर में 3 डॉक्टर्स की निगरानी में रहेगा। बताया गया कि पहाड़ों के बीच बाघ के फंसे होने की जानकारी द्वीप पर घूमने आने वाले लोगों ने विभाग को दी थी, जिसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया था। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। आज चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री चीनी सामानों की होली जलाएगा। करीब सुबह 11 बजे करोलबाग में चीनी सामानों की होली जलाई जाएगी।